हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल रियल लाइफ विद रेनू। तो आज है शिवरात्रि, हैप्पी शिवरात्रि। सभी को मेरी तरफ से शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं रेडी हो गई थी, आज हेयर भी वॉश किया क्योंकि आज शिवरात्रि है तो पूजा करनी है, व्रत रखना है, तो हेयर तो वॉश करने ही थे। तो मैंने अपने हेयर वॉश किए और आज मैंने पहनी है साड़ी। कैसी लग रही हूँ मैं मुझे बताना, क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद साड़ी पहनी है। मैं कभी साड़ी नहीं पहनती क्योंकि मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है साड़ी में, तो मैं कभी साड़ी नहीं पहनती, बट आज मैंने पहनी है। तो मैं कैसी लग रही हूँ मुझे बताना। और मैं बिल्कुल अपने बेड से मैच हो रही हूँ, ग्रे एंड ब्लैक एंड आई एम ऑल्सो ग्रे एंड ब्लैक, तो मैं बिल्कुल मैच हो रही हूँ। और कैसी लग रही हूँ साड़ी में आप बताना, क्योंकि आज मैंने अपने ब्लॉग्स में फर्स्ट टाइम साड़ी पहनी है। और मेरी पूजा की थाली रेडी हो गई, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे रेडी की है। और हाँ, ये मैंने लिया है लोटा पान जल का, और ये यहाँ पर मैंने लिया है ये एक गिलास दूध, क्योंकि आज के दिन दूध चढ़ाना तो बहुत जरूरी होता है, सब दूध चढ़ाते हैं। तो ये मेरी सारी चीजें थी पूजा की। और मैं अपने मंदिर में भी पूजा कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिया है हल्दी और नहीं, हल्दी नहीं, ये चंदन होता है, शंकर भगवान पे चंदन चढ़ता है, तो ये चंदन, रोरी, ये धूपबत्ती, इसके अंदर मेरी वो है क्या बोलते हैं, बाती है जो घी की बनती है वो, और ये है बेर, और इसे कहते हैं क्या कहते हैं इसे, सिंघाड़े, सूखे सिंघाड़े, तो ये चढ़ते हैं हमारे वहाँ पर। तो मैंने ये सारी चीज़ें लिए, और अभी मुझे कलाव लेना है जो कि मेरे पास है नहीं, तो मैं मार्केट से ले लूँगी। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, तो पूजा करके उसके बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। और आज मैं टिपिकल इंडियन लुक में आपको दिखाई दे रही होंगी, देखिए। और यहाँ पर जस्ट अंधेरा अंधेरा आ रहा है क्योंकि मैं थोड़ी लाइट में नहीं थी। और ये मेरी गुड़िया, अरे दिखा, ये मेरी गुड़िया रेडी हो गई है मंदिर जाने के लिए। और उसने पीछे देखो सोफे पे अपनी जैकेट वैकेट सब फेंक दी, सुबह इतनी सफाई करी। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर, तो मंदिर जाके आते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। पाउडर लगाया है, कितना पाउडर लगा के आई है, गोरी गोरी हो गई है। वैसे भी मेरी बेटी तो गोरी गोरी प्यारी सी है। तो हम जा रहे हैं पास से, खाली दे मेरा फिर आज तो देखिए मेरे पापा का आगे। आ गए हैं लेकिन पता नहीं रुके हुए हैं। मैं कह रही हूँ कि थाली ले लें तो मैं लॉक वगैरह लगा दूँ घर का। और मैं अभी बाहर आई हूँ घर से, कितना अच्छा लग रहा है बाहर आके एकदम खुले में। तो आ गए, चलो लॉक वगैरह लगाती हूँ मैं। पूजा करते वक्त यहाँ पर मैंने आवाज़ बंद कर दी है वीडियो में, क्योंकि बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा था, भजन बज रहे थे, इस वजह से मैंने बंद कर दी थी आवाज़। और ये है हमारे अंदर वाले मंदिर का व्यू। जो मैं पूजा कर रही थी वो मंदिर से बाहर है, क्योंकि शंकर भगवान की स्थापना बाहर की जाती है, और ये अंदर का है जहाँ की सारे भगवान स्थापित हैं। और ये हमारा काफ़ी बड़ा मंदिर है, ये दोनों साइड मैंने आपको दिखाई है, ये मैंने आधा मंदिर दिखाया है, अदरवाइज मंदिर बहुत बड़ा है ये। और ये सारा पोर्शन मंदिर का ही है। और ये जो भी बाहर लेडी खड़ी हैं, तो यहाँ लेडी प्रोग्राम हो रहा है जो गाँव में देहातों में होता है उस टाइप का, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसमें, एंड मेरे हस्बैंड खड़े हैं। तो अब मैं आ चुकी हूँ पूजा करके, यानी आ तो मैं थोड़ी देर पहले गई थी, मैंने मशीन में कपड़े डाले हैं धोने के लिए, तो उनका साउंड आ रहा होगा, तो प्लीज़ आप थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि मैंने अभी जस्ट कपड़े डाले हैं धोने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग से लाइट नहीं आ रही थी। और आके फिर मैंने बनाई अपने लिए एक कप चाय, और अभी मैं किचन के गेट पे ही खड़ी हूँ,
तो मैंने चाय बनाई और अभी जस्ट मैंने रखे हैं आलू बॉईल करने, तो मैं उसी की रेसिपी बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी भी, और मैं आज वही खाऊंगी और कुछ नहीं खाऊंगी। और अपने लिए बनाई है, अभी मैंने एक कप चाय देखो यहाँ रखी है, ठंडी हो रही है, ये रही मेरी एक कप चाय, क्योंकि चाय पीऊँगी तो थोड़ा मेरा मूड फ्रेश होगा, क्योंकि मुझे चाय की बहुत आदत है, मॉर्निंग में और इवनिंग में तो मुझे चाय चाहिए, और आज सुबह से तो चाय क्या पानी तक नहीं पिया था, अभी आके मैंने पूजा करके आई तो एक ग्लास पानी पिया और अब चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी अपने लिए जो व्रत का जो खाना होता है वो, बस मैं पोटैटो ही बनाऊँगी और कुछ नहीं बनाऊँगी। तो अब तेज़ थकान सी लग रही है, और सच बताऊँ तो साड़ी पहन कर ना काम करना बहुत बड़ा सर दर्द होता है, क्योंकि मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ, आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि मैं सूट वगैरह ही पहनती हूँ, हालांकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर कोई भी सूट नहीं पहनता, एक मैं ही एंटिक पीस हूँ जो सूट पहनती है, बट मुझे सच में साड़ी में मुझे कुछ भी काम करना फाता ही नहीं है, यानी अनकम्फर्टेबल फील होता है मुझे साड़ी में, बट आज मैंने पहनी और मैंने अभी तक साड़ी पहन रखी है, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे कि क्यों साड़ी नहीं पहनती, बोले तो साड़ी में बहुत अच्छी लगती है, सूट से भी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो बोलते हैं आज साड़ी उतारना नहीं, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे ना ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ से मुझे ना किसी ने बांध दिया है रस्सी से, और जकड़ापन सा लगता है, और मैं इतनी पतली हो गई कि मेरे ये ब्लाउज देखो कितने ढीले हो गए, मैंने पहनने से पहले ना अपनी मेरी सिलाई मशीन है तो मैंने उससे दो दो सिलाई भी करी। हाँ तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से पहनी है साड़ी, एक्चुअली मैंने ये ओपन करके पहना था, लेकिन जब मैं काम करती हूँ ना तो मैं इसको ऐसे करके और ऐसे रख लेती हूँ, तो अब तो ये है मेरा लुक पूरा साड़ी का, इतना ही आ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं आ रहा, तो कैसी लग रही हूँ मैं बताना मुझे, और ये ब्लाउज काफ़ी डीप है, एंड ये देखिए कितना ढीला हो गया है, आप देख सकते हैं बहुत लूज है, और इस तरफ से मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है, और मैं पहनती भी बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से हूँ, और देखिए ये लुक, एंड ये जो बॉर्डर है ना ये वाला, तो ये बॉर्डर एक्चुअली ये वाला तो यही था, बट ये वाला जो बॉर्डर है ना वो साड़ी के इस साइड लगा हुआ था यहाँ पर, तो मैंने क्या किया यहाँ से निकाल के इसे यहाँ लगा दिया, क्योंकि तो फिर हम ऐसे रखते हैं ना तो इसका कुछ अलग ही लुक आता है ना, अच्छा लग रहा है। तो मैंने ये आलू बॉईल किए, और आप सोचेंगे मैंने इतने ज़्यादा क्यों किए हैं, तो ये ज़्यादा इसलिए किए हैं कि नाइट में काम आ जाएंगे सब्जी वगैरह के लिए, और मैं बनाने वाली हूँ इसके नमकीन आलू, जो कि फरारी नमक और काली मिर्च जो होती है उसे डाल के बनाते हैं, ब्लैक पेपर डाल के, और कई लोग इसका मीठा हलवा भी बनाते हैं, लेकिन मुझे व्रत में मीठा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं ना नमकीन वाला ही बनाऊंगी, तो चलो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। और काफ़ी लोगों के घरों में ये जो रेसिपी है खाई जाती है, क्योंकि हम तो बचपन से लेके इतने बड़े हो गए यही रेसिपी खाते खाते, मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी यही चीज़ बनाती थी शिवरात्रि में, और ये और गुजरात में लेके आते थे फरारी चेवड़ा, तो जो कि आलू का होता है फरारी चेवड़ा ये, और गुजराती पेठे, नहीं सॉरी गुजराती पेड़े, तो ये सारी चीज़ें हमारे पापा लेकर आते थे, तो अब तो मायका है नहीं, मम्मी है नहीं, जो करना है खुद ही को करना है, तो चलो मैं ही करती हूँ, तो स्टार्ट करती हूँ अपनी रेसिपी में, और आप लोग भी देखिए मैं कैसे बनाती हूँ, मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि फास्ट में ज़्यादा स्पाइसी ज़्यादा ऑयली कुछ भी नहीं खाना चाहिए, वरना आप समझ सकते हैं अपना फेट आपका और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और मैंने तो वैसे ही बहुत कम कर लिया है अपना, काफ़ी कम हो गया है मुझे, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज साड़ी बहुत दिनों बाद पहनी और सब कुछ लूज हो रहा है, जो टाइट होता है तो टेंशन हो जाती है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर पीस रही हूँ ये काली मिर्च, क्योंकि मैं उसमें काली मिर्च ही डालती हूँ, लाल मिर्च मैं ऐड नहीं करती, काली मिर्च और हरी मिर्च और थोड़े से धनिया पत्ता और रिफाइंड डालूंगी, मैं घी नहीं डालूंगी इसमें, रिफाइंड डालूंगी, दैट्स इट, और कोई भी स्पाइसेस नहीं ऐड।
तो मेरा फरार हो गया है रेडी। ये है दही, आलू, और ये मैंने एक्स्ट्रा नमक रखा है कि अगर जरूरत पड़ी, क्योंकि मैं फरार करती हूँ तो मैं बीच में उठती नहीं हूँ, एक बार फिनिश हो जाता है उसके बाद ही उठती हूँ। ये मेरी मम्मी ने सिखाया था जब हम छोटे थे कि फरार करते समय बीच में उठते नहीं है, नहीं तो वो पूरा हो जाता है और फिर बार बार फरार करते नहीं है। और मेरी बिंदी टेढ़ी लग रही है, और आज मैंने क्यों बिंदी लगाई है? आज मेरा सेकेंड टाइम बिंदी लगाई, कैसी लग रही है बताना, लगाया करो या नहीं ये भी बताना। तो मैं पहले फरार कर लूँ, उसके बाद में मिलूंगी। तो अपना फरार स्टार्ट करने से पहले मैंने भगवान जी के लिए भोग निकाल कर मंदिर में रख दिया था। उसके बाद ही मैंने अपना फरार स्टार्ट किया है, क्योंकि जब तक भगवान जी के लिए भोग ना निकालें फरार कंप्लीट पूरा नहीं होता। 5:30 6 के करीबन हो रहा है, और मैं जस्ट आई थी अपने बाल वगैरह सही करने, और मैंने साड़ी नहीं उतारी, मैंने आज पूरे दिन साड़ी पहनी। इसकी वजह से पता क्या हुआ, मेरा काम है ना थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि साड़ी में ज्यादा अच्छे से मैं काम नहीं कर पाती, कुछ ना कुछ काम मेरा रह जाता है। तो बस अब सारा काम वगैरह तो हो गया था, अब बेटी को भूख लग रही है तो कह रही है मम्मी कुछ बना दो, तो मैं उसके लिए पराठे बनाने जा रही थी। इवनिंग के आई थिंक 6:30 हो चुके हैं, अंधेरा होने जैसा है बाहर, और मैं इस व्लॉग को एंड करना भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि ना मैं एंड करूँ। तो आपको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मेरी छोटी सी जो रेसिपी मैंने शेयर की, एक्चुअली रेसिपी क्या, वो जो हम रेगुलर खाते हैं तो वही थी, और पीछे मेरी बेटी है वो झांक रही है कि मम्मी क्या कर रही है, तो वो लोग मस्ती कर रहे हैं दोनों भाई बहन। और बोलो बेटा, अभी बनाते हैं, रोटी के लिए अभी आ रही हूँ। उसको भूख लग रही है, बोल रही है खाना दे दो। वो व्रत है पता है, वो व्रत में बच्चे खाना नहीं खाते, केवल पराठा खाते हैं। मैंने उसको ऐसा झूठ कह दिया है, अगर मैं उससे कहती ना तो फिर वो व्रत रखती और फिर भूखी रहती, तो व्रत में पराठे खा लेते हैं ऐसा मैंने कह दिया। हाँ ठीक है, मेरा बेटा व्रत। हाँ फल ले ले, अभी फल जाओ, एप्पल ले लो जाओ, मैं आ रही हूँ अभी। मैं नहीं खा रही, मैं व्रत हूँ मम्मी, मैं व्रत हूँ। हाँ एप्पल काट के दे दूंगी। सुन रही है मम्मी क्या कह रही है? तो बस अब इस व्लॉग को एंड कर रही थी। तो जो रेसिपी मैंने शेयर की थी उसे इस सिंपल वे में ही बनाते हैं, ये तभी अच्छी लगती है। और व्रत में वैसे भी ज़्यादा स्पाइसेस और ज़्यादा ऑयली नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी वैसे भी पूरा दिन स्ट्रगल करती है, क्योंकि समझ सकते हैं कि भूख लगी है और फिर हम उसके बाद एकदम से ऑयली और स्पाइसी खा ले तो हमारी बॉडी में उसका साइड इफेक्ट पड़ता है। इसकी वजह से कम खाना चाहिए, और व्रत में मेरा मानना तो ये है कि व्रत वो होता है जिसमें कि हम कम खाएं, एक बार खाएं, ये नहीं कि हमने व्रत रख लिया खाना नहीं खाया और पूरे दिन कहीं फ्रूट खा रहे हैं, कहीं जूस पी रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे हैं, नहीं। व्रत होता है, ये व्रत इसलिए होता है कि हम अब एक दिन अपनी बॉडी को रेस्ट दें, और उस बीच हमारी बॉडी के अंदर जो भी फैट वगैरह बनता है वो सारा इक्वल हो जाता है एक दिन में। और हाँ, जूस वगैरह तो पीना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है कि हमारी बॉडी पे शाइनिंग रहती है, वरना अगर हम खाना ना खाएं तो हमारी एकदम डलनेस सी आ जाती है हमारे फेस पे, तो वो चीज़ नहीं होती है। तो जूस वगैरह तो पीना चाहिए, मैंने भी पिया, और मैंने फ्रूट भी खाया, बट एक ही बार मैंने हैवी फ्रूट खाया, हैवी जो मैंने बनाया था बस, उसके अलावा कुछ नहीं। और मैं नाइट में भी कुछ नहीं खाऊंगी, बस 1 ग्लास दूध पीऊंगी और कुछ नहीं, वो भी बिना चीनी का, चीनी वाला नहीं। या तो मैं थोड़ा सा गुड़ ले लूंगी या फिर मैं ऐसे ही पी लूंगी, क्योंकि चीनी वाला दूध नहीं पीना चाहिए। आप समझते हैं क्यों? क्योंकि ये ढीला नहीं होगा फिर। गाइस क्या हो रहा है, एप्पल काटा जा रहा है यहाँ बैठ के। मैं चल टाइम तो मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ ये चीज तो शेयर करनी चाहिए कि मेरे बच्चे कितने नोटी हैं। ये जो आटे का डब्बा है इस पे से चढ़ के वहां बैठी है, और नीचे अपने भाई को खड़ा कर लिया है, और दोनों मिलके एप्पल खा रहे हैं, है ना नोटी बच्चे मेरे। और स्टेप कितनी अच्छी बनाई है, मेरा जो आटे का कंटेनर है उसके ऊपर चढ़ के गए हैं दोनों। देखिए छोटा वाला मोलू, मोलू हाय, भाई नहीं बोलते बेटा आप तुम, दादा है ये जो चाचा बोल रहे तुम, चाचा हाँ ऐसे नहीं बोलते, मम्मा है तुम बोलते। मम्मी बोलो मम्मा से पार कर लो, मम्मा से पार कर दो बेटा, आज तो तुमने पार नहीं किया। मम्मा कहाँ है मम्मा? इसमें इधर इधर मम्मा से पार कर लो ना, इधर इधर कर लो, कर लो कर लो कर लो, पार कर लो मम्मा से। काट लेता है बहुत तेज में, कहो ना मुझे यहाँ प्यार कर लो तो काट लेता है। बोलो प्यार कर दो, आंटी को दिखाना, फिर आंटी को दिखाना, पार करके दिखाओ। काट लेता है, हंस रहा है।
और ये है मेरी खावत्री, इधर देख तो, ये मेरी खावत्री। सब माँ बाप को टेंशन होती है कि हमारे बच्चे खाते नहीं है, खाते नहीं है, हम फ्रूट ला रहे हैं खाते नहीं है। और मुझे पता है मैं क्यों टेंशन रहती हूँ, क्योंकि मैं कितने भी फ्रूट लाऊं, मैं दिन में अगर 1 किलो सेब या 1 किलो संतरा ला के रहूं तो मेरी बेटी अकेले खा जाती है। इतना मुझे ना मतलब इस चीज को लेकर मैं बड़ी खुश और हैप्पी हूँ कि मुझे अपने बच्चों को लेकर इस चीज की टेंशन नहीं है कि वो खाते नहीं है, खाना भी अच्छे से खाते हैं। और फ्रूट वगैरह की तो दास है, अगर इसे फ्रूट मार्केट में छोड़ दो ना तो 1 महीने के अंदर पूरी फ्रूट मार्केट खा जाएगी, है ना अरुण? बहुत फ्रूट खाती है ना। देखो परसों के दिन मैं जो अपनी किचन वाली वीडियो डाली थी ना, किचन टूर की, उसमें मेरी ये बकेट भरी हुई थी और अभी इसके अंदर जस्ट एक ये अनार रह गया है, बाकी सब मेरी लड़की खा गई और इसी ने अकेले खाया। देखो ऊपर खड़ी है, अभी गिरेगी नहीं, देख शैतान शैतान गिरेगी नहीं। कितनी शैतानी हो रही है सच में। मैं हमेशा किचन का दरवाजा ना बंद करके रखती हूँ। ये देखो 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 एक और, ये एक और एंटिक पीस है मेरा, यहाँ से चढ़ के दोनों वहां बैठ जाते हैं। सच में मेरा आधा वेट लॉस तो इनने कर दिया है। मुझे ना जब भी मैं बात करूँ मुझे ना नोजी पे बहुत ही चीन होती है, मैं हमेशा ऐसे 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 करती रहती हूँ। तो देखो ये दोनों, एक ही खड़ा हो गया इधर, एक ही खड़ी है इधर। तो अब सब बाय बोलो, हम व्लॉग को कर रहे हैं एंड। बाय बाय, टाटा, मुल्ली टाटा, मुल्ली इधर देखो। हाँ उसको तो मम मम चाहिए पानी, और एक ग्लास लेता है बाहर रोड पे फेंका था। बाय से बाय, बाय एंड हैप्पी शिवरात्रि। हैप्पी शिवरात्रि बोल दे बेटा, ये मत हैप्पी शिवरात्रि। बाय बाय, चैनल को लाइक करना, ना सॉरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।